सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नाइन्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्केल नंबर 2 की कागज बांट। वैसे मैंने स्केल नंबर 1 की कागज बांट आपको बहुत अच्छे से सिखाई थी, फिर भी अभी आप नए हैं स्केल ड्राइंग में, तो नाइन्थ क्लास है इसलिए मैं आपको स्केल नंबर 2 की भी आज कागज बांट सिखाऊंगा। पर मैंने इसमें हाशिया आपको पहले ही लगा दिया है क्योंकि समय ज़्यादा लग जाता है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर बाद में वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो मैं हाशिया लगा चुका हूँ और आपको मैंने स्केल नंबर 1 जो करवाई थी आप उसमें देख सकते हैं कि हाशिया कैसे हम 90 डिग्री में सही तरीके से लगा सकते हैं। हम सीधा ही स्केल ड्राइंग की जो कागज बांट करेंगे तो हमारे पास इसमें फुट्टा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर का है ये आप देख सकते हैं, और इसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस स्केल की जो लेंथ है वो है 60 सेंटीमीटर, लेंथ है 60 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर। ये चीज़ें हमें होनी ज़रूरी है, हमने लेंथ और ब्रेथ को प्लस करना है तो 60 और 30 आपके होते हैं 90, और ब्रेथ और हाइट को भी हम प्लस करेंगे तो ये होता है 45 सेंटीमीटर। अब आपके पास ज़्यादा क्या है, लेंथ है, हमने जो कागज़ को है वो लेंथ की साइड को रखना है इस तरह से, और हमने यहाँ से लेंथ और ब्रेथ जितनी जोड़ के आ रही है वो हमने काटनी है, तो हमारे पास ये आ रहा है 90 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पे 90 सेंटीमीटर माप के 90 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे ये काट दिया है। बची हुई शीट के हम बराबर 3 भाग करेंगे, तो हम शीट को नाप लेते हैं कितना बचा हमारे पास, ये हमारे पास बच रहा है 8.8, मतलब 8 सेंटीमीटर और 8 ही mm बच रहा है। मैंने कल आपको तरीका बताया था कैसे हम करते हैं, 8.8 mm हमारे पास बच रहा है, हम इसको 3 से भाग दे देंगे तो 3 × 6 आ गया, और यहाँ पे हमारा घट के आ गया 2 और हमने ये उतार दिया आ गया 8, तो हमारा 3 का पहाड़ हमने 28 तक पढ़ना है, तो 7 × 8 = 24, 9 × 27, तो इस तरह से 1 mm आपका बढ़ जाता है। तो हमने क्या करना है, हमारा जो एक भाग बनेगा वो लगभग हमारा 2.9 का बनेगा, मतलब 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर का हमारा बनेगा। हमने यहाँ से सबसे पहले एक भाग छोड़ना है और पहले एक भाग हमारा है 2.9 का, तो 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर, 9 mm मैंने यहाँ पे काट दिया है और पहला भाग हमारा आ गया है। पहला भाग छोड़ने के बाद हम छोड़ते हैं लेंथ, और लेंथ हमारी है 60 सेंटीमीटर, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये मैंने छोड़ दिया है 60 सेंटीमीटर। अब हम काटेंगे एक भाग जो हमारा है 2.9 का, यहाँ से हम काटेंगे 2.9, ये जो पहले वाला हमारा निशान है इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब हम काटेंगे इसमें ब्रेड्थ जो हमारी है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मैं ब्रेड्थ नाप लेता हूँ और ये हमारी है 30 सेंटीमीटर, ये मेरी ब्रेड्थ आ गई है 30 सेंटीमीटर हमने काट लिए। अब हमारे पास एक भाग बच जाएगा अपने आप ही, ये आप देख सकते हैं, देखिए पूरा हमारे पास 2.9 जो mm है वो बच गया है। इस तरह से हम ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड नाप करके इन रेखाओं को मिला देंगे, और हमने यहाँ से नापा था पहले हमने एक भाग, फिर लेंथ, फिर एक भाग, फिर ब्रेथ, फिर हाइट, सॉरी एक भाग, तो अब हमने हाइट की साइड नापना है। हम कैसे नापेंगे, यहाँ को इधर को पेज घुमा देंगे और यहाँ से हम काटेंगे हाइट और ब्रेथ, तो हाइट हमारी है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारी है 30, तो ये मिलके आ रहा है 45 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 45 सेंटीमीटर काट देंगे और जो शीट बच जाएगी उसके हम बराबर 5 भाग कर देंगे। तो यहाँ से मैं नापता हूँ 45, तो ये 40 और 5 45, अब जो शीट बच गई है इसको हम नाप लेते हैं, तो ये शीट कितनी हमारी बची है,
ये आप देखिए ये पूरी पूरी 10 सेंटीमीटर बच रही है, तो दो दो सेंटीमीटर का एक भाग होगा। अब हमने बची हुई शीट के पांच भाग कर दिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, दो भाग हम पहले ऊपर छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे दो भाग छोड़ देंगे, तो दो सेंटीमीटर का एक भाग था तो हम यहाँ छोड़ेंगे 4 सेंटीमीटर, और फिर हम काटेंगे यहाँ से हाइट, हाइट हमारी कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से हाइट काटेंगे, ये हमारी हाइट है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हम एक भाग काटेंगे 2 सेंटीमीटर का, ये देखिए ये हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर, और हम काटेंगे यहाँ से ब्रेथ, और ब्रेथ हमारी है 30, तो हम यहाँ से 30 सेंटीमीटर काट लेंगे, ये देखिए, और अब हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और आप ये देख लीजिए पूरा पूरा 4 सेंटीमीटर बच गया है। इसी तरह से अब हम यहाँ पे भी निशान लगा के इसको मिला दें। इस तरह से हमने दोनों साइड नाप भी दिया है और लाइनें भी हम लगा देंगे। अब जो फालतू लाइनें हमारी है, इन लाइनों को भी हम, वैसे हमने पहले ही फालतू लाइनें यहाँ, जैसे यहाँ लाइन लगनी थी तो मैंने लगाई नहीं, यहाँ भी लाइन लगाई, यहाँ भी लगाई, यहाँ भी मैंने लाइन, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी मैंने लाइनें वहाँ लगाई है। जैसे ये हमारी एक्स वाई लाइन है तो ये मैंने पहले ही एक्स वाई लाइन ही लगाई है, बाकी लाइनें मैंने यहाँ पे नाप के, यहाँ नाप के वहीं लगाई है जहाँ मुझे ज़रूरत थी, फिर भी जो एक्स्ट्रा लाइनें वो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइनों को यहाँ से रेस कर देंगे। इस तरह से हमारी पेपर वाट हो जाएगी, ये हमारी एलिवेशन, साइड, प्लान और प्रोजेक्शन आ जाएगा। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ हमने कैसे इसमें एलिवेशन लिखनी है। हमने यहाँ से बराबर स्पेस पे एक लाइन लगानी है हल्की सी, अब मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ इसका सेंटर लगभग हम सेंटर में ही लिखेंगे, जिसमें यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे भी एक लाइन लगा देता हूँ, और इतनी ही दूरी पे मैं ऊपर एक और लाइन लगा देता हूँ। इस तरह से ज़्यादा कलाकारी तो नहीं करनी है, पर हमने लिखना जो है वो अच्छे से है। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ लाइन लगा दी है, यहाँ पर भी मैं लाइन लगा दूँगा, जहाँ जितना स्पेस होगा उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना है कि हमने यहाँ पे कितने बड़े बड़े अक्षर लिखने हैं। जैसे यहाँ पे हमारा है तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है हमारे पास, तो हमने इस तरह से यहाँ पे थोड़ा हम अक्षर ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे ये है हमारा, हम यहाँ लिखेंगे एलिवेशन, इस तरह से ये एलिवेशन आ गई। यहाँ पे हम लिखेंगे साइड, साइड ये हमारा है प्लान, और ये हमारा है प्रोजेक्शन। इस तरह से जो लाइन हमारी ये एक्स्ट्रा है इनको हम रेज कर देंगे यहाँ से। इस तरह से ये हमारी कागज बाट हो गई है, एलिवेशन, साइट, प्लान और प्रोजेक्शन हमने इसमें लिख दिया है। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमने लेंथ, ब्रेथ, हाइट की जो दूरी है वो भी हमने इसमें साथ साथ ही दर्शा देनी है। ये आपकी स्केल नंबर 2 है और इसकी पेपर डिवीजन हो गई है। कल हम अगली वीडियो में हम इसमें स्केल बना के दिखाएंगे और आपने अच्छे से घर में स्केल ड्राइंग की, स्केल नंबर 2 की पेपर डिवीजन कर देनी है, और आपने कोशिश करनी है क्योंकि बुक में इसका आंसर भी दिया हुआ है, तो कोशिश करनी है कि आप बुक के आंसर देख करके आप इसको हल कर सकें, नहीं तो मैं भी वीडियो बना करके इसको हल करनी है आपको बता दूँगा।